दोस्तों, मोदी जी ने भले ही तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले ली हो, लेकिन मीडिया में, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि नायडू कुछ बोल क्यों नहीं रहे, नायडू ने चुप्पी क्यों साधी हुई है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में उन्होंने मोदी जी की जिस तरह से तारीफ की और लगातार वो मोदी जी के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, क्या वाकई में पर्दे के पीछे स्थितियाँ ऐसी ही हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातचीत सोशल मीडिया में वायरल है और जो खुद आज तक के एंकर सुधीर चौधरी ने शेयर भी की है अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म में। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू से बातचीत की है क्योंकि शपथ ग्रहण के दौरान नायडू और नीतीश दोनों को बुलाया गया था, दोनों पर खास नज़र थी। नायडू ने अभी तक और नीतीश ने भी, दोनों ने ही अभी तक किसी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया है, कोई एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किसी चैनल को दिया हो जिसमें उन्होंने बताया हो कि वो उनकी क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या शर्तें हैं। लेकिन सुधीर चौधरी ने उनको एक तरह से उनसे बात करने की कोशिश की और वीडियो उन्होंने खुद भी पोस्ट किया। सुधीर चौधरी ने उनसे पूछा कि ये किस तरह की सरकार होगी, डबल इंजन सरकार होगी, ट्रिपल इंजन सरकार होगी। दोस्तों, इसके जवाब में नायडू ने कहा, डबल इंजन यू कैन से इन इंजन इन एज टू ग्रो ऑल्सो इंडिया इज हैविंग अ ब्राइट फ्यूचर। बेसिकली वहाँ पर काफ़ी शोर था, साउंड बहुत ज़्यादा थी और इसीलिए नायडू एग्जैक्टली बोल क्या रहे हैं शब्द बेशब्द समझ नहीं आया, लेकिन नायडू ने बेसिकली अपनी एक बहुत छोटी सी बातचीत में इस सरकार की तारीफ की और कहा कि आने वाले भविष्य में जो ये सरकार है ये ब्राइट फ्यूचर की तरफ, सुनहरे भविष्य की तरफ देश को लेकर जाएगी। हालांकि ये बहुत नपितुली बात है और राजनेता, नायडू जैसे राजनेता नपितुली बात ही करेंगे कैमरे के आगे, लेकिन आने वाले वक्त में भविष्य की राजनीति इस सरकार की किधर की ओर जाएगी, दोस्तों एक बात समझ लीजिए, अब नायडू जी ऐसी ही बात करेंगे। बड़े नेता हमेशा मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें ही करते हैं, कोई कैमरे के आगे ही नहीं बताता कि मोदी जी के आगे मैंने ये शर्त रखी और मोदी जी ने मेरी ये शर्त नहीं मानी या मोदी जी को मैंने इस शर्त में झुका दिया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन नायडू जी जो बोलना चाहते हैं ना वो उनके बेटे बोलेंगे, नाना लोकेश। शपथ ग्रहण हुआ नहीं था कि नाना लोकेश ने मुस्लिम आरक्षण की बात कह दी कि हम तो मुस्लिम आरक्षण के समर्थक हैं और हम तो देकर रहेंगे। शपथ ग्रहण हुआ नहीं था कि नीतीश कुमार की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से ये बयान आ गया कि अग्निवीर इन्हें स्क्रैप करना चाहिए, अग्निवीर पर दोबारा से विचार करना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चलेगा। तो ये समझ लीजिए कि नायडू हो या नीतीश हो, खुले तौर पर ऐसी ही बातें करेंगे, प्यारी प्यारी मीठी मीठी मोदी जी की तारीफ वाली। लेकिन अब लगातार जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो पर्दे के पीछे और दूसरे नेताओं के जरिए होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये सरकार, मोदी जी का जो टेम्परामेंट है, क्या उस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स कितने लंबे वक्त तक झेल पाएगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल के ज़रूर करें।